हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइनर कुशन बनाएंगे अपने वीडियो में। ये बनाना भी एकदम इजी है, आप भी बनाइए और अपने घर को सजाइए। और अगर बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। कुशन कवर का डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। कुशन कवर का डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने दो कलर का कपड़ा लिया है, कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इस कलर के हम स्ट्रिप्स काटेंगे, ये मैंने स्ट्रिप्स कटिंग की हुई है दोनों कपड़े की। ये स्ट्रिप्स हमारी चौड़ाई में 2 इंचेस हैं और लंबे में हमारी ये यहाँ से 25 इंचेस हैं। ये स्ट्रिप्स मैंने इस कलर की मैंने 4 स्ट्रिप्स ली हैं और इस कलर की मैंने ये 5 स्ट्रिप्स ली हैं। अब इन स्ट्रिप्स को हम सेट करेंगे। जैसे पहले हम ये स्ट्रिप्स लगाएंगे, इस तरह से लगा लेंगे एक स्ट्रिप्स को और ये हमारी दूसरी लगेगी। इसी तरह से ये हम दूसरे कलर की ऐसे लगा लेंगे, ऐसे हम स्ट्रिप्स को लगाएंगे। ये स्ट्रिप्स मैंने लगा दी है, ध्यान रखिए ये स्ट्रिप्स और ये स्ट्रिप्स हमारी एक जैसी आनी चाहिए साइड में। इस तरह से हम सेट करेंगे, तभी मैंने ये 5 ली हैं और ये मैंने 4 ली हैं। अब हम इनको सिलाई करेंगे। जैसे ये स्ट्रिप्स है, इन दोनों को हम ऐसे सिल लेंगे, इस तरह मिला लेंगे और यहाँ से हम सिलाई करेंगे। ये सिलाई मैंने लगा दी है, इस तरह से हमारी ये सिलाई लगी है। अब ये हमारा इस तरह से था कपड़ा। ये सारी स्ट्रिप्स हम इसी तरह ज्वाइंट करेंगे जैसे हमने ये रखी है, इसी तरह हम सिलाई लगा के रेडी करते हैं सारी स्ट्रिप्स को। ये सिलाइयाँ लगा के मैंने ये कपड़ा ज्वाइंट कर दिया है। आधा आधा इंच हमारी अंदर सिलाई में गया है कपड़ा, बाकी हमारा कपड़ा इस तरह सेट हो गया है। अब इस कपड़े को हम अच्छे से आयरन कर लेंगे जिससे ये सारी सिलाइयाँ हमारी एकदम अच्छे से बैठ जाएंगी और कपड़ा भी एकदम बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर मैंने प्रेस कर दी है। अब हमारा ये कपड़ा है ऐसे थोड़ा आगे पीछे आया है, इसको हम यहाँ से बराबर कर लेंगे। यहाँ से हम एकदम बराबर करके ऐसी लाइन लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, ऐसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ से ये कपड़ा मैंने बराबर कर लिया है। अब ये सिलाई करने के बाद हमारा कपड़ा रेडी हुआ है, 12 इंच रेडी हुआ है। अब ये साइड है हमारी, इस साइड से भी हम 12 इंच लेंगे। यहाँ 12 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं। अब यहाँ पर हम ये लाइन लगा लेंगे ऐसे, ये हमारा 12 इंच का इतना आएगा। ये लाइन लगाई है, यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ये हमारा कट हो गया है पीस। अब ये हमारा अगला पीस है, ये बचा हुआ हमारा इतना। इस पीस को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये हमारा इतना एक्स्ट्रा आया है, इसको हम ऐसे इसके बराबर कट कर लेते हैं यहाँ से। अब ये हमारे 2 पीस बन गए हैं। अब हम इस पीस को ऐसे उठाएंगे और ये पीस है हमारा, इसको हम ऐसे तिरछे में लाइन लगाएंगे। लाइन हमारी एकदम तिरछी बराबर आनी चाहिए। ये हमारी लाइन लग गई है। इस लाइन को अब हम कट कर लेंगे, इस तरह से कट करेंगे। ये हमारा एक पीस कट गया है। इसके बाद ये दूसरा पीस भी हम ऐसे लाइन लगाएंगे तिरछे में, इसको भी इसके जैसे ही कटिंग करते हैं। ये हमारे दोनों पीसेस की कटिंग हो गई है। अब हम इनको सेट करेंगे। जैसे ये पीस है हमारा, इस तरह से लगेगा, ऐसे आएगा हमारा, ये साइड इस तरह से आएगी। ये हमारा ऐसे इस साइड को आया है और ये हमारा इस तरह से आया है कटिंग। अब ये हमारा तीसरा पीस है, इसको हम ऐसे लगाएंगे, ये हमारा इस साइड को आएगा। ये पीस हमारा ऐसे आएगा, ये हमारी जो पर्पल साइड है ऐसे आएगी। ये सीधे में हमारी पर्पल साइड, इस साइड ये और ये ऐसे आएगी। जो हमने सेंटर की कटिंग की है वो हमारी इस साइड में आएगी। इस तरह से हमारा ये सेट हो जाएगा। अब हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। तो ये पीस हम पहले सिलेंगे, इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब ये साइड है हमारी, ये भी हम ऐसे सिलाई लगाएंगे वहाँ तक। ये सिलाई भी हमारी लग गई है। अब हम ये पीस है इसको इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
ध्यान रखिए यहाँ पे हमारी ये सिलाई है सेंटर की, इनको हम मिला लेंगे यहाँ पे, तभी हमारा ये डिज़ाइन बराबर आएगा। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, ये सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो ये कपड़ा हमारा एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। अगर ऐसा हमें कुशन बनाना है कपड़े जोड़ जोड़ के, तो हमें हर बार आयरन करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा कपड़ा सेट हो जाता है। अब हमारा ये पीसीस हैं, ये कॉर्नर स्टिचिंग में हमारे ये बाहर को आगे हैं, इनको यहाँ पे हम बराबर रख के लाइन लगा के कट कर लेंगे जितना हमारा एक्स्ट्रा होगा। ऐसे लाइन लगा लेंगे, चारों कोनों से हमें कट करना है बराबर रख के। ये कॉर्नर मैंने कट करके बराबर कर लिया है कपड़ा। ये हमारे कुशन का फ्रंट साइड का पार्ट बन गया है। अब हम बैक साइड काटेंगे। बैक साइड के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। अब ये हमारा फ्रंट साइड का पीस है, इसको हम ऐसे रखेंगे, इसके बराबर हम यहाँ से रखेंगे, ये हमारा पूरा बराबर आएगा। इसके बाद ये एक्स्ट्रा रखेंगे हम, ये हमारा 6 इंच एक्स्ट्रा आएगा कपड़ा। तो इस कपड़े को हम उठा लेंगे और ये कपड़ा है हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये मैं सेंटर से लगा रही हूँ, साइड से भी हम कट कर सकते हैं, यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है, ये हमारे 2 पीस बन गए हैं। अब ये पीस है हमारा, जैसे इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार, दूसरी बार ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस पीस पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई मैंने लगा दी है, दोनों पीसीस पे हमारी सिलाई लगा दी है मैंने। अब ये हम सेट करेंगे, जैसे ये हमारा पीस है, इसको हम ऐसे रखेंगे सीधी साइड से, इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद हम ये रखेंगे पीस, ये कॉर्नर है, हम इस कॉर्नर से ऐसे मिला देंगे और ये उल्टा साइड है हमारा, इस साइड को आएगा इस तरह से। ये हमारा सेट हो गया है। अब दूसरा पीस है, ये भी हम ये कॉर्नर मिला लेंगे, ये हमारा इतना एक्स्ट्रा आएगा, ये हमारा खोलने का बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम पिन लगा के सेट कर लेते हैं कपड़े को। ये कपड़ा मैंने सेट कर दिया है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ पूरे में सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अपने कुशन कवर को ऐसे सीधा करेंगे इस तरह से, ये कॉर्नर है हम ऐसे निकाल लेंगे अच्छे से। कुशन को मैंने सीधा कर दिया है, अब हमारा कुशन ऐसे रेडी हो गया है। ये हमारी बैक साइड है कुशन की, यहाँ से हम कुशन को डालेंगे। तो मैं कुशन डालती हूँ, अब देखिए इसमें मैंने कुशन डाल दिया है। अब हमारा ये कुशन इस तरह से दिख रहा है, देखिए कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बना है। अब देखिए हमारा कुशन कवर बनके एकदम रेडी हो गया है, एकदम डिज़ाइनर लुक आया है। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसा कुशन कवर बनाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।